हेलो एवरीवन आप सभी वेलकम हमारे प्लेटफॉर्म एन लाइट पर और आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एट्थ फिजिक्स ऑफ चैप्टर वन यहाँ पर दिया गया हमको टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर कैप्ट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर अ थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव टू चार्जेस सच दैट ऑल थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम व्हाट इज़ द साइन मैग्नीट्यूड एंड पोजिशन ऑफ द थर्ड चार्ज यहाँ पर क्या दिया गया हमको कि दो चार्जेस हैं Q और कैपिटल Q, ठीक है और यहाँ पर हमें इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया कितना r, आगे क्या लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है कि अगर हम एक Q चार्ज को लाएं, Q चार्ज हम उसको कैसे रखें उसका साइन क्या होना चाहिए उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए और उसका मैरी उठ के होना चाहिए कि जो हमारा पूरा सिस्टम है वो पूरा एक में रहे। है मानते हैं कि हमारा क्यूचार्ज यहाँ पर आया ठीक है टोटल कितना था आर यहाँ से मानते हैं कितना डिस्टेंस है एक्स वहाँ से कितना हो गया आर माइनस एक्स मानते हैं कि ये हमारा ए पॉइंट है ये हमारा बी पॉइंट है ठीक है आगे हमको दिखे कि इसमें आप एक चीज़ नोट करो हमें दिया गया है कि सिस्टम पूरा रहा एक लिबरम में यानी कि ये चार्ज ये चार्ज और ये चार्ज ठीक है अगर हम यहाँ पे लाते हैं पॉजिटिव चार्ज मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं तो ये वाला इसको वहाँ पे रिपेल करेगा वो वाला उसको वहाँ पे रिपेल करेगा देखो ये तो रहा ना एक में बट ये जो क्यू चार्ज है ये भी यहाँ पे कुछ फोर्स एज करने वाला है ये इसको वहाँ पर रिपेल करेगा ये जो बड़ा ये जो दूर रखा हुआ है हमने ये भी इसको वहाँ पर रिपेल करेगा तो क्या ये रहा है कि में नहीं रहा ठीक है वैसे ही इसके साथ होगा ये वाला इसको वहाँ पर रिपेल करेगा ये वाला चार्ज ये क्यू वाला इसको वहाँ पर रिपेल करेगा और ये छोटा वाला उसको वहाँ पर रिपेल करेगा क्या ये रहा इक्विलिब्रियम में नहीं रहा मतलब यहाँ पर हम प्लस क्यू चार्ज नहीं ला सकते ठीक है अब सपोज करते हैं कि हम यहाँ पर लाए हमारा माइनस क्यू चार्ज पहले मैं इसको इरेज़ कर लेता हूँ मानते हैं कि हमारे यहाँ पे कौन सा चार्ज आया नेगेटिव चार्ज ये वाला इसको करेगा अट्रैक्ट भाई मेरे पास आ जा ये बोलेगा मेरे पास आ जा ये रहा एक में एक सिगमाइज दिखने रहा है यहाँ से हाँ अब ये छोटा वाला क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा वो बड़ा वाला क्यू चार्ज इसको यहाँ पर रिपेल करेगा तो ये भी एक में आ गया अब सिमिलरली इसके साथ होगा छोटा वाला क्यू चार्ज इसको यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा बड़ बड़ा वाला क्यू चार्ज उसको वहाँ पर रिपेल करेगा तो ये किस में आ गया इक्विलिब्रियम में आ गया देख सकते हैं तीनों के तीनों चार्ज हमारे इक्विलिब्रियम में जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया था यानी कि पहला पार्ट तो हो गया हमारा कंप्लीट यहां पर लिख देता हूं साइन शुड बी नेगेटिव ठीक है आगे का दिया हमको हमें पूछा गया इसका मैग्नीट्यूड और पोजीशन हम पहले लिखाते हैं इसकी पोजीशन ठीक है ये वाले चार्ज पे इस तरफ लग रही है फोर्स ड्यू टू ए सॉरी ये फोर्स ड्यू टू बी है क्योंकि उसको अट्रैक्ट कर रहा है और वो इसकी वजह से लग रही है इसको यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स फोर्स ड्यू टू ए अगर ये इक्विलिब्रियम में यानी कि फोर्स ड्यू टू ए शुड बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू बी ठीक है फोर्स लिखते हैं अब पहले हम लिखते हैं कि फार्मूला क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू के इन टू क्यू वन क्यू टू डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ पे के क्या है के है हमारे पास वन अपॉन फोर पाए एपस नॉट ठीक है अब लिखते हैं फोर्स ड्यू टू ए हमें चार्ज कितना दिया गया कैपिटल क्यू किस पे लगा रहा है वो स्मॉल क्यू पे, साइन बुट नहीं करना वेक्टर क्वांटिटी है डिस्टेंस कितने इनके बीच का आर उसका कर देंगे हम स्क्वायर ठीक है डिस्टेंस यहाँ पे हमने एक्स लिया है एक सेकेंड हमने यहाँ से डिस्टेंस कितना लिया है एक्स एक्स का स्क्वायर कर देंगे वैसे भी k के उसका कितना है मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना लिया हमने यहाँ से आर माइनस एक्स कर देंगे इसका हम होल स्क्वायर इससे कट गया के से कट गया के हमें दिया गया सेम मैग्नीट्यूड है क्यू से कट गया क्यू और ये तो कटेगा ही क्यू से क्यू क्या आ गया यहाँ से हमारा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर अब दोनों साइड रूट ले लेते हैं आर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स आर इज इक्वल टू टू एक्स एक्स कितना आ गया हमारे पास एक्स इज इक्वल टू आर बाय टू यानी कि अगर हम इसको मिड पॉइंट पर रखें तो हमारा तो पूरा सिस्टम ये जो चार्ज है इक्विन में रहेगा तो ये तो आ गया भाई एक पार्ट का आंसर जिसमें हमें कहा गया था इसकी पोजीशन ठीक है अब देखो अब ये वाला पार्ट कैसे निकालना है मैग्नीट्यूड वाला क्योंकि देखो यहाँ से तो भाई क्यों से क्यों कट रहा है कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड एक काम करो या तो ए चार्ज को पकड़ लो या तो ए चार्ज को पकड़ लो या तो बी चार्ज को पकड़ लो ठीक है देखो ये ये किसने यहाँ पे फोर्स लगाई ए की रिपल्सिव फोर्स फोर्स ड्यू टू ए मानते हैं कि ये हमारा ओ पॉइंट है चलो ये किसने फोर्स लगाई इस तरफ फोर्स ड्यू टू ओ अगर हमें चाहिए कि ये वाला इक्विलिब्रियम में हो ये बी चार्ज ठीक है उसका मतलब क्या हुआ मैं पे लिखता हूँ पहले थर्ड पार्ट लिख यहाँ लिखता हूँ मैग्नेट लिख देता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैगनीट कैसे निकालना है इसका किसी एक चार्ज को पकड़ लो उसको रखो इक्विलिब्रियम में अगर हमें चाहिए इक्विलिब्रियम में हो तो फोर्स ड्यू टू ए शुड बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ओ ठीक है फोर्स ड्यू टू ए लिखें लिखते हैं कॉन्स्टेंट के कैपिटल क्यू क्योंकि ए का मैग क्यू बी का भी कितना है क्यू डिस्टेंस कितने के बीच का देखें सर आप देखिए ये पूरा कितना है आर ठीक है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्वेर अब जो ये जो ये छोटा वाला चार्ज क्या फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर के कैपिटल क्यू छोटे का चार्ज स्मॉल क्यू डिस्टेंस कितने इनके बीच का आर माइनस एक्स ठीक है यानी कि कितना आ जाएगा आर बाय टू कितना आ गया यहाँ से हमारे पास आर बाय टू का होल स्क्वायर के से फिर से उठ जाएगा के क्यू से उठ जाएगा क्यू ठीक है आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये वाला चार्ज कटा नहीं है क्यू से उठ जाएगा क्यू यहाँ से अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड आर स्क्वेयर बाय फोर इंटू कैपिटल क्यू इज इक्वल टू कितना आर स्क्वेयर इंटू क्यू ये पूरा का पूरा कट गया आर स्क्वेयर से कट गया आर स्क्वेयर हमारा क्यू का क्या मैग्नीट्यूड आ गया क्यू कैपिटल क्यू बाय फोर ठीक है तो ये था हमारे मैग्नीट्यूड का आंसर मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ ठीक है तो हमने निकाल लिए यहाँ पर साइन क्या है हमारा नेगेटिव क्योंकि तभी हमारे तीनों इक्विम में रहेंगे हमने निकाली पोजीशन कैसे इसको रखा है कैपिटल की को लिब्रियम में ठीक है और रही बात मैग्नीट्यूड की मैंने आपको बताया कि इसी बड़े चार्ज को आप रख दें एकबरीम में आपका आंसर आ जाएगा आई होप कि आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आया होगा बाकी जो क्वेश्चन हमारी साइट पर अपलोडेड है वहाँ पर जाके उनको सॉल्व कर सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग